हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि रामकुमार जी के चित्रों में मुझे जो विलुप्ति जो है वो इतनी ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से दिखती है वो और रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं तो वो लगातार दिखता है कि कैसे धीरे धीरे हर डिकेड एक विलुप्ति के साथ उनके यहाँ आता है और अंत में वो जो विलुप्त को जो पेंट करते हैं वो बहुत बड़ी बात है दरअसल ये तो बड़ा एक तरीका एक तरीका ये भी हो सकता है कि क्या बनाया देखने का एक तरीका ये भी हो सकता है और देखने का एक तरीका ये भी है कि कुछ बना है और उसको देख के हमारी स्मृति हमारा साथ नहीं दे रही गायतोंडे के यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा हुआ गायतोंडे के शुरुआती चित्र देखें और उनको भी रिट्रोस्पेक्टिवली हम देखें और रजा के यहाँ हम रिट्रोस्पेक्टिवली उनको देखें हर डिकेड में एक जो नया फॉर्म उनके यहाँ प्रकट होता है रजा के यहाँ आखिरी तकरा रजा के पूरे काम को देखें तो सात फेजेस दिखते हैं बिल्कुल क्लियर फोर्टीज से लेकर टू तक सात आठ फेज ऐसे बिल्कुल देखते हैं हर बार एक नवाचार एक होता है हर दशक में और फिर वो लगभग सात आठ साल उस नवाचार से चलते हैं और दशक का जो आखिरी सोपान है वो एक नए नवाचार की खिड़की खोल देता है फिर फिर दस साल वैसे चलते हैं सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होगा ये जो नवाचार की जो संभावना है गायतुंडे के यहाँ मज़ेदार बातें मुझे ये लगती है कि वो एक ऐसे मिनिमलिज्म पे आ गए जो मार्क रॉथको से अलग मिनिमलिज्म था जैक्सन पुलाक का भी अपना मिनिमलिज्म है अगर उसको देखें तो एक तरफ तो बहुत ही मैक्सिमिज्म भी है अम्बादास का भी अपना मिनिमलिज्म है एक संबंध दिखता है लेकिन घराना स्वामी ने इस पर लिखा भी था मैजिकल स्क्रिप्ट में मार्क टोबी अम्बादास जैक्सन पुलाक इन सबको रिलेट करते हुए पहाड़ी कोरवाओं से कि कहीं ना कहीं रूप में तो संबंध है लेकिन सभी लोग अलग अलग स्थानों से और अलग अलग परिस्थितियों से अलग अलग सभ्यताओं से अलग अलग समाजों से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स से उस केस में तो आ रहे हैं लेकिन एक्सप्रेशन कहाँ पे आके किस तरीके से एक साम्य स्थापित कर देता है उनके बीच में और इस कौतूहल को लेके ही स्वामी ने ये प्रश्न उठाया था तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आई मीन जब आप पॉस्थमस रिट्रोस्पेक्टिव इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार हर एक आर्टिस्ट को नए ढंग से देखने के लिए नए आलोचक और नए बिल्कुल तेवर जरूरी भी होते हैं क्योंकि जैसे जॉर्ज सोलती एक कंडक्टर हैं उन्होंने एक बार कहा था कि बिथोविन की सिंफनीस को मैंने जब बीस साल में बजाया चालीस साल में बजाया साठ में बजाया तो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है वही सिंफनी थी लिखी हुई थी यानी रिटर्न स्टफ़ है वो सब ऐसा भी नहीं है कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं लेकिन फिर भी उसकी समझ उसको कंडक्ट करने की शैली में फ़र्क आ गया इसी तरह से इन सब पेंटर्स को मुझे लगता है कि हर बार 10-20 साल में एक नए ढंग से उनको बहुत एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल अभी तो खैर अभी कुछ समय तक हम लोग के बीच से ये लोग बिल्कुल लेकिन यह है कि एब्स्ट्रैक्शन को लेकर चूँकि असल में अमेरिका का जो एब्स्ट्रैक्शन जो क्लीम ग्रीनबर्ग जिसे बहुत ज़्यादा प्रचारित करते रहे उन दोनों और उसके पीछे कहा जाता है कि सी आई ए का भी इंटरेस्ट था तो वो एक उसका कारण भी था क्योंकि उसको जिस स्तर पे एग्रेसिव होकर वो प्रचारित किया कि बहुत से बांग्लादेश के कलाकार हैं या भारत के कलाकार हैं या श्रीलंका के हैं कई बड़े बड़े कैनवस लेके अपनी यथार्थ को भूल करके उस काम में जुट गए थे वो लेकिन जो सीरियस जिन लोगों ने कोई भी पिक्टोरियल लैंग्वेज चुने या फिगरेटिव भी काम करें वो अपने ढंग से उनको देख एप्स्ट्रेक्शन को अपने ढंग से ही तलाश सकते थे एक्जैक्टली तो इसीलिए एक्चुअली विनोद जी मुझे लगता है कि एक समस्या ये भी है कि हमने एब्स्रेक्शन को जिस तरीके से अपने यहाँ स्थापित करा है मानस में अपने इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसा माना जाता है कि एब्स्ट्रेक्शन एक ऐसी विधा है जो फिगरेशन का विलोम है मैं इस धारणा को सिरे से ही नहीं मानता ये तरीका ही गलत है देखने का एक चित्र बनाने का तरीका है ये बस अब अर्पिता सिंह का पेंटिंग देखें तो मुझे तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लगता है उसमें उनका जो अप्रोच है विषय को लेके उनको जो एनाटॉमी को लेके जो उनका अप्रोच है वह आई है वो जो अप्रोच है वो जो, जो सरफेस के साथ जिस तरीके से आप डील कर रहे हैं हम जो है विषय के आधार पर चित्र को क्यों देखें हम चित्र को चित्र की शर्तों पे क्यों ना देखें भाई दृश्य कलाएं हैं तो ये ये जो अप्रोच है इसमें थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है और मैं जब इस अप्रोच से हटके देखता हूं तो फिर मुझे अच्छे चित्र में दिलचस्पी है मेरी वो अच्छा चित्र किसी भी फॉर्म में हो सकता है फ्रांसिस बेकर ने एक सुंदर बात बोली थी उनके चित्र बिल्कुल विपरीत हैं और पर जो बात कर रहे हैं वो एक दूसरी बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ऑल द कलर एग्रीज एंड डार्क डार्कनेस को इस तरीके से डिफाइन किसी ने नहीं करा था मैं तो बड़ा चमत्कृत हुआ मैंने बोला है डार्कनेस को इस तरीके से ये जो अप्रोच है ये कमाल की है कि अंधेरे को इस तरीके से तो किसी ने डिफाइन ही नहीं करा था अनीश कपूर से किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा तो अनीश कपूर से पूछा गया कि आप अब अगला क्या बनाना चाहते हैं तो अनीश कपूर बोले कि मैं अंधेरा बनाना चाहता हूं लेकिन वो अंधेरा नहीं जो हमारी देह के बाहर है जिनको हम अपनी देह से देखते हैं हमारी देह के अंदर एक अंधेरा है जो हमारे कंकाल के अंदर घेरा हुआ है जिसके साथ हम जन्मते हैं हमारी देह हम हम जैसे ग्रोथ होती है हमारी यानी कि हमारी देह का आकार जैसे जैसे बढ़ता है हमारे देह के अंधेरे का आकार भी उसी के अनुपात में बढ़ता जाता है मैं उसका उसको पाना चाहता हूँ ये मेरे लिए बहुत ही चमत्कारी बात थी